गाइस आप सबका स्वागत है मेरे स्नेक्स चैनल माय सेल्फ गौरव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द ऑफिशियल गौरव, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा अनदर चैनल है यूट्यूब चैनल गौरव सिंह म्यूजिकल वर्ड गौरव, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे और जिस पीडीएफ से आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप जो आपको अगर प्रॉब्लम है या इस चैप्टर में मैं होपफुली मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो इस वीडियो के देखिए इस हिस्ट्री पार्ट के 3 पार्ट होंगे। ठीक है, वीडियो के तो उसमें से पहला पार्ट जो होगा वो हम आज पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में कौन से कैरेक्टर्स थे मेन में कैरेक्टर्स और डेट्स जो थी वो पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में ब्रीफ मतलब में जो बची हुई चीज़ें जो इस 4th-5th पार्ट है बुक्स के हिसाब से मतलब उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं उसको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th। ठीक है, तो अब नेशनलिज्म इन यूरोप, देखिए हिस्ट्री में एक चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया, तो ये नेशनलिज्म इंडिया जैसे है वैसे नेशनलिज्म यूरोप पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म इंडिया 2nd चैप्टर। ठीक है, तो देखिए नेशनलिज्म इन यूरोप, अब नेशनलिज्म क्या होता है मीन्स पहले तो हमें नेशनलिज्म की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड, मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड और अ लव फॉर योर नेशन, मीन्स अपने नेशन के लिए आप कितना प्यार है आपके अंदर या कितना गर्व है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हम 2nd वर्ड में भी कह सकते हैं पेट्रियोटिज्म। ठीक है, फिर हमारा आता है 2nd पॉइंट नेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेशन स्टेट क्या होता है मींस इज वन इन विच सिटीजन शेयर द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। मींस देखिए दुनिया में जितने लोग हैं लेकिन मतलब इंडिया में जितने लोग हैं वो कोई टू कॉमन आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब वो किस में होगी, किससे किसके बेसिस पे, देखिए हिस्ट्री के बेसिस पे होगी, मींस हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो वो हम लोग तो आज हैं, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो हम लोग के लिए कॉमन हुए ना, सबके लिए कॉमन हुए। ठीक है, तो वो हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर आता है, ठीक है, हम लोग का अलग अलग कल्चर है उसके बेसिस पे हो गया। तीसरा आता है हमारा लैंग्वेज होता है, हम बहुत ढेर सारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं इंडिया में। ठीक है, और ट्रेडिशन आता है फिर और एक्सेट्रा और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट थे, कौन से थे, देखिए एक तो नेशनलिज्म की मीनिंग थी और एक नेशन स्टेट की मीनिंग थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए मेनली इस चैप्टर में देखिए ना तो हम इसको लेंथी कह सकते हैं ना तो हम इसको शॉर्ट कह सकते हैं, मीन्स मेनली इस वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि मतलब इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर में है क्या क्या, उसके बाद हम 2nd पार्ट में 3rd पार्ट में इसको ब्रीफ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो पहला क्या था, इन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, द पीपल डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दी, जितने डिमांड कर ले कि नहीं अब मोनार्कियल रूल में नहीं होगा, अब डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, अब मोनार्की में क्या था, वहाँ पे क्या राजा महाराजा हुआ करते, डेमोक्रेसी में क्या इलेक्शन होते हैं, तब जाके रिप्रेजेंटेटिव हम सेलेक्ट करते हैं, तब हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, और तब वो हम लोग के बेसिस जो हम लोग कहते हैं उसी पे काम होती है, और फिर जो भी हम लोग की राइट्स होते हैं, जो भी हम लोग के राइट्स होते हैं और जो हम लोग की इच्छा डिमांड होती है उसको हम कह सकते हैं, और इतना हम लोग का राइट भी होता है फिर हम उसको कहते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट पूरा करती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेमोक्रेसी। मोनार्कियल में क्या होता है, राजा महाराजा का रूल होता है। अब ये वहाँ पे क्या था, अमीर लोग जो थे उनके पास जो सारी वेल्थ और जितना था सब कुछ था, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास नहीं था। तो ये हमारा हो गया, इससे क्या हुआ, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, मींस पीपल ने डिमांड एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, मींस मोनार्की को मोनार्की रूल को हटाने के लिए डिमांड करने लगे पीपल्स वहाँ के, और कहे कि इस्टेब्लिश करें किसको, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इन 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे, जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, हिस्ट्री में द फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्टे सीजिंग पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस, मीन्स नेपोलियन बोनापार्टे जो थे उसने 1799 में स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया कि सीज करना स्टार्ट कर दिया किसको, पॉलिटिकल पावर, जो मतलब जो वहाँ की पॉलिटिकल पावर थी फ्रांस की, मीन्स उसको डेमोक्रेसी को हटा, मीन्स डेमोक्रेसी तो आ गई थी। ठीक है, अब वो डेमोक्रेसी को हटा के फिर से वो मोनार्की रूल लाना चाहता था। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट देखेंगे हम,
इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसके आगे कम पॉइंट पहले पढ़ते हैं। देखिए 1804 में द सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड मींस 1804 में देखिए क्या था। 1804 में हमने पिछले साल पढ़ा नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ अ किंग ऑफ द फ्रांस, ठीक है, इन 1804, ठीक है। तो ये क्या था, नेपोलियन बोनापार्टे ने स्टार्ट कर दिया सीजिंग को, पॉलिटिकल पार्टीज को सीज करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिर 1804 में क्या था, सिविल कोड जो था, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड। तो अब हम पढ़ेंगे 1804 में द सिविल कोड एंड नेपोलियनिक कोड। अब ये जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ कब हुआ, 1804 में, ठीक है। अब इसमें क्या था, नेपोलियन जो थे मीन्स नेपोलियन भी चाहता था, हाँ ठीक है, अच्छा नेपोलियन भी चाहता था कि अच्छा मतलब कुछ उसने अच्छी भी चीज़ें की थी और बुरी भी चीज़ की थी। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, मीन्स एकदम ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल कोड इन 1804। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गुड वाले पॉइंट्स, मीन्स उसने जो पढ़ेंगे वो गुड वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे, मीन्स उसने अच्छा क्या क्या किया। पहला जो था टैक्स सिस्टम, ट्रेड बैरियर्स टू बी एंडेड, मीन्स टैक्स सिस्टम जो था और ट्रेड बैरियर वाला जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया, मीन्स टैक्स सिस्टम और ट्रेड बैरियर वाला जितना भी था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ गया इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स सॉरी इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ क्या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो था उसको भी इम्प्रूव करना उसने स्टार्ट कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब वहाँ पे उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ भी लाया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अच्छी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल कोड इन 1804 बैड थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे बैड थिंग्स, ठीक है। बैड थिंग्स क्या, पहला पॉइंट, ही वॉन्टेड ऑल द पीपल टू बी एंगेज इन द आर्मी। नेपोलियन बोनापार्टी जो था, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जितने भी पीपल हैं, मींस वो उसने कहा हाँ ठीक है जो भी होगा हम सारा काम करेंगे पीपल के मान, लेकिन उसने वो ये चाहता था कि जितने भी पीपल है वो आर्मी में एंगेज हो जाए, ठीक है। क्यों चाहता था, क्योंकि नेपोलियन वांटेड टू इंक्रीज द प्रोविंस ऑफ फ्रांस। नेपोलियन क्या चाहता था कि फ्रांस का प्रोविंस जो है उसको बढ़ाया जाए, मींस ऑल पीपल्स को लाया जाए, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप वो होता है मींस इफ एनी विल स्पीक अगेंस्ट हिम देन ही विल किल इट, खत्म ही कर देगा, मीन्स अगर कोई भी सेंसरशिप मतलब सेंसरशिप की एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी आदमी किंग या मतलब नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट में जाएगा, मतलब उससे हटके कुछ भी अलग बोलेगा, मीन्स उसके फेवर में नहीं बोलेगा, तो उसे वो नेपोलियन बोनापार्टे क्या करेगा, खत्म, वो खत्म कर देगा, खत्म। फिर हम पढ़ेंगे 1815 पॉइंट आता है हमारा, 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुई, ठीक है। नहीं अब इसमें नेपोलियन की वजह से, मींस देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई, अब नेपोलियन भी था। अब ये किस में हुई, प्रैग में। अब प्रैग क्या है देखिए प्रैग क्या है, प्रूसिया, आज से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन, ये चार कंट्री में के बीच में हुई थी क्या, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके एंड ट्रीटी ऑफ वेना वॉज साइंड, ट्रीटी ऑफ वेना जो थी उसको भी साइन किया गया। अब हम पढ़ते हैं इसको ब्रिटेन में, ठीक है। तो पहला जो था हमारा पॉइंट वो था नेपोलियन स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ द यूरोप। अब नेपोलियन ने जो मतलब डिफरेंट टेरिटरीज जो थी यूरोप की उन्हें ऑक्यूपाई करना, मीन्स उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट था, अब ये जो उसने कब्जा किया, ड्यू टू दिस द कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड अ वॉर एंड दे एज दे डू नॉट लाइक दिस, मीन्स जो इन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे ने किया, मीन्स और कुछ हाँ कुछ अच्छी चीजें भी की थी और कुछ बुरी भी चीजें की थी, है ना। तो मतलब लेकिन ये जो चीजें थी ये ऑल कंट्रीज को, ऑल कंट्रीज के महाराजा को जो भी थे वहां पे, जो भी डेमोक्रेसी मोनार्कल रूल जो भी चल रहा था उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था,
वो चाहता था कि मतलब सबको एकदम इन्वॉल्व ही कर ले आर्मी में, तो वो नहीं मतलब जिसको जो काम करना हो उसको वो करने दे ना, सबको आर्मी में मतलब करने दे, और बाकी अगर उसके अगेंस्ट में कोई बोले तो उसको मार भी देगा, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू दिस द कंट्रीज ऑफ द यूरोप स्टार्टेड वॉर एज दे डिड नॉट लाइक दिस, मीन्स उन्हें अच्छा नहीं लगा यूरोप की अदर कंट्रीज को और उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी। और इसमें कौन डिफीट हुआ? नेपोलियन डिफीट हो गया, नेपोलियन हार गया, नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, इन 1815 ही वॉज डिफीटेड। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना में क्या था? प्राग वर सेटिस्फाइड विद द मोनार्कल रूल। प्राग क्या है आपको बताया मैंने, प्रुशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये चार कंट्री है प्राग। ठीक है, प्राग क्या, देखिए प्राग वर सेटिस्फाइड विद द मोनार्कल रूल। प्राग ये मतलब जो चार कंट्री थी ये किससे सेटिस्फाइड थी? मोनार्कल रूल से सेटिस्फाइड थी। ठीक है, अब ये देखिए इनको वही अच्छा था, एंड दे अगेन सेटअप द मोनार्कल रूल, मीन्स इन्हें वही अच्छा लगता था। मीन्स देखिए पहले वहां पे क्या था, मोनार्कल रूल था फ्रांस में, फिर डेमोक्रेसी को कर दिया गया, फिर नेपोलियन जो आया है ना उसको हटाने के लिए, तो उसको हटा के दोबारा फिर से पहले वो मोनार्कल रूल था, फिर डेमोक्रेसी हुआ, और फिर प्राग वो जो थे उनको लगता था कि यहाँ नहीं मोनार्कल ही सही है, तो फिर से मोनार्कल को ही कर दिया गया। ठीक है, फिर एंड दे अगेन सेट अप द मोनार्कल रूल एंड रिमूव द सिस्टम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिस्टम था उसको वो लोग ने हटा दिया। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए यहाँ तक तो हमने क्या किया, क्या पढ़ा, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टिल मिड 18th सेंचुरी, मीन्स 18th सेंचुरी के मिड तक नो नेशन स्टेट, मीन्स नेशन स्टेट थी ही नहीं, मीन्स कोई कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं थी। अब नेशन स्टेट मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा मतलब जो सिटीजन जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी को शेयर करता है, आप वो किसके बेसिस पे होता है, देखिए हमारा ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, एक्सेट्रा और भी चीज़ होती हैं। ठीक है, तो टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट, इस नेशन स्टेट थी ही नहीं वहाँ पे, क्यों, डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत थी। अब डाइवर्सिटी वहाँ पे तीन थी, देखिए समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, स्ट्रक्चर पढ़ते यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, पहला जो आता है केम ड्यू टू, पहला जो है हमारा एरिस्टोक्रेसी है, दूसरा है हमारा पेजेंट्री, तीसरा है हमारा न्यू मिडिल क्लास। अब ये कहाँ से आया इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री पढ़ते हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी जो था वो था मतलब हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, जो हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें हम एरिस्टोक्रेसी में वो लोग आते थे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो थी वो लेस थी। आज भी देख सकते हैं जो अमीर आदमी है वो कम है, लेकिन जो वेल्थ है 98% वो अमीर के आदमी के हाथ नहीं है, वो अमीरों के पास है, बाकी जो बचे पुअर उनके पास वेल्थ 2% या 1% है। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे मीन्स, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी में कौन से पीपल थे, देखिए कौन से पीपल थे वो जो मतलब लैंडलॉर्ड्स थे, हाई लैंडलॉर्ड्स जो थे। फिर हम आते हैं सेकंड पे, सेकंड पॉइंट क्या है, पेजेंट्री। पेजेंट्री मींस लैंडलेस पीपल, मींस जो दूसरे के लैंड पे काम करते थे, अब इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी और दे आर हैविंग नो राइट्स। थर्ड पे आते हैं मिडिल क्लास, और न्यू मिडिल क्लास कहाँ से आया, इट गेम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें कौन से टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है, और लिबरल नेशनलिज्म भी था इसमें। ठीक है, अब ये जो पीपल कौन थे, ये कहने वाले थे पीपल कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जब मतलब लैंडलॉर्ड्स को राइट मिले तो हमको भी मिलना चाहिए, हम तो एजुकेटेड पर्सन है ना, एजुकेटेड पर्सन तो हमको भी राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, अ न्यू मिडिल क्लास। अब दे वांटेड आर इंडिविजुअल फ्रीडम, मीन जैसे कि हमारे पास राइट है, खुद का रीडन है, खुद का राइट है, हमारे कुछ बात खुद का फ्रीडम भी है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल फ्रीडम। सेकंड, दे वांटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता हमारा गवर्नमेंट बाय कंसर्न, मीन्स हम खुद ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्शन हो हम लोग सेलेक्ट करें, ठीक है, और फिर उसे गवर्नमेंट बने। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट बाय सेंट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इलेक्शन से कैसे कंसर्न। अब हम देखिए यहाँ पे तक हमने क्या पढ़ लिया, देखिए नेशन स्टेट पढ़ लिया, नेशनलिज्म पढ़ लिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लिया, उसके पॉइंट्स पढ़ लिए, और स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और हमने ब्रीफ में भी पढ़ लिया था उसको नेपोलियन ने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक #6 मेन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सेकंड पार्ट में हम इंपॉर्टेंट डेट्स और वो सब करेंगे कैरेक्टर्स, और फिर थर्ड पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब ये एक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको पूरी चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फ्रेंच रेवल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवल्यूशन मीन्स इसमें कौन थे, पेजेंट्स वॉन्टेड अ मोनार्कल रूल, पेरेंट्स स्टार्टेड एबॉलिशिंग द मोनार्कल रूल एंड दे वॉन्टेड अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रूल, ठीक है। पेरेंट्स ने शुरुआत कर दी द मोनार्की रूल को हटाने की डिमांड, और डिमांड किसकी करी, डेमोक्रेसी को लाने की, ठीक है। तो उसकी उन्होंने डिमांड करी। फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देखिए 1815 मीन एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू मतलब देखिए, पहला हो गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में कौन थे, कंजर्वेटिज्म में वो पीपल थे देखिए, ब्रैब मीन्स प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैप। फिर होगा रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज में कौन थे, माय मिडिल क्लास पीपल थे और पेरेंट्स पीपल थे, पेरेंट्स मतलब लैंडलेस पीपल, ठीक है। तो और उसको हम क्या कहते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़। तो ये था हमारा क्या था हमारा द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अब हमारा होगा थर्ड पॉइंट, द एज ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स 1830 to 1848 तक क्या था, एज ऑफ रेवोल्यूशन था। इसमें क्या था, हंगर एंड हार्डशिप था, इसमें हुआ भुखमरी हुई और हार्डशिप भी हुआ, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे 1830 मीन्स बार्बन किंग वर ओवर थ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो बार्बन किंग जो था उसको हटा दिया गया रेवोल्यूशन से, कहाँ पे हुआ रेवोल्यूशन, क्या फ्रांस में हुआ। सेकेंड जो होगा, बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड। अब बेल्जियम जो है उसने सेपरेट, बेल्जियम जो है वो सेपरेट हो गया कहाँ से, नीदरलैंड से सेपरेट हो गया, ठीक है। बेल्जियम और नीदरलैंड अलग अलग कंट्री हो गई, वो नीदरलैंड से सेपरेट हो गया। थर्ड पॉइंट, द ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक वॉर हुई कब से, 1812 से 1832 का, मीन्स ये 20 ईयर्स तक चली, इट अ टाइम 20 ईयर्स, है ना। तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट, एज रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ। अब हमारे रोमांटिसिज्म मीन्स ग्यूसेप्पी मज़िनी जो था, एक वो एक फिलोसोफर था और उसने एक नया आइडिया लाया। क्या आइडिया लाया, कि मतलब वी शुड हैव अ नेशनल सॉन्ग, कल्चर इवेंट्स एंड एसेट्रा। मीन्स हमारे पास जैसे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, वैसे उसने भी सोचा होगा कि एक फ्रांस का मतलब नेशन का नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, कल्चरल इवेंट्स भी होने चाहिए जैसे इंडिया में भी होते हैं, है ना। तो ये हमारा रोमांटिसिज्म में इसने मतलब ये आइडिया हुआ, नया आइडिया लाया। फिर हम आते हैं फोर्थ पे, द मेकिंग ऑफ द नेशन। मेकिंग ऑफ द नेशन मीन्स देखिए, द गार्डिंग ऑफ द जर्मन स्पीकिंग पीपल, मीन्स गार्डिंग ऑफ द जर्मन स्पीकर, जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब ये कहाँ पे हुआ, 1857 में फ्रांस में हुआ, फिर इटली में कब हुआ, 1861 में हुआ, प्लस यूके में भी हुआ। अब यूके में क्या था, कुछ स्टेट जो कुछ मतलब कंट्री जो स्टेट जो भी थी उनको इन्वॉल्व किया गया, मीन्स वो गैदर हुआ और दोनों उन सब ने मिला के एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेशन बना लिया। तो यहाँ पे हमारा मेकिंग ऑफ नेशन हुआ, मीन्स नया नेशन बना। अब हम आएंगे फिफ्थ पॉइंट पे, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स देखिए, गोज टू एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी क्या होता है, मीन्स अ फीमेल फिगर, है ना। फीमेल फिगर मतलब देखिए, मतलब जो इंडिया है, जैसे कि इंडिया को हम कहते हैं भारत माता, है ना, वैसे ही एक जर्मन में जर्मनी में जर्मेनिया कहते हैं वहाँ के लोग को, ठीक है। और फिर फ्रांस का मरगाना कहते हैं, ठीक है, मरियाना कहते हैं। तो ये था हमारा विजुलाइजिंग द नेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट पॉइंट, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब देखिए, नेशनलिज्म मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो मतलब अ प्राइड और अ लव फॉर अ नेशन। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है, इम्पेरियलिज्म होता है मतलब देखिए, टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मीन्स जो कंट्री की जो मतलब एक कंट्री है उसकी बाउंड्री को इंक्रीज करना। इंक्रीज करना मतलब जो आसपास की कंट्री है, जो नेबर कंट्रीज हैं उनको अपने कब्जे में लेना, है ना। तो उसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। अब ये गॉट टेंशन इन बाल्कन्स क्रिएटेड। अब बाल्कन्स में टेंशन हुई, देखिए बाल्कन क्या है, एक तो देखिए ड्यू टू दिस बाल्कन जो एक स्टेट है तो उसको टेंशन होने लगी, और ड्यू टू दिस इट लीड्स टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने लगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट वन। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, नेशनलिज्म पढ़ लिया, नेशन स्टेट पढ़ लिया, फर्स्ट एजुकेशन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, और हमने
स्ट्रक्चर बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो सभी पढ़ लिए और ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और 6 मेन फैक्टर्स 6 मेन टॉपिक्स भी पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू। ओके, टाटा।